देखिए कैसे भी यहाँ नीचे ना निपाई हो रहा है गलियारी का। अब देखिए मेरा जुगाड़, पीढ़ा पे रख के मैं वीडियो बनाती हूँ। हम ऐसे करके फुलाते हैं, देखें कितना मज़ेदार फुला। जिसको तवे पर रोटी नहीं फुलाना आता है कृपया इसी तरह फुलाएं। हम यहाँ रहते हैं दुकान के पास। इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया और वो मसाला वाला जो बर्तन था उसको थोड़ा सा धो के। और ये कटहल का सब्जी डन। हे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। वेलकम है मेरे चैनल में। दिन का शुरुआत मेरा ये थायराइड की गोली से होता है, क्योंकि मुझे थायराइड हो गया है, हाइपोथायराइड। तो उसके लिए मैं गुनगुना पानी लेकर उसके बाद मैं दवा खाती हूँ, उसके बाद भी कोई काम करती हूँ। वैसे काम तो मैंने कर ही लिया है लगभग, लेकिन मेरा आदत बहुत ख़राब हो गया कि काम करने के बाद मुझे दवा का याद आता है। सामने रखा हुआ भी रहता है लेकिन फिर भी मैं इसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ जल्दी, क्योंकि ये सुबह उठकर सबसे पहले दवा ही खाना रहता है। लेकिन इट्स माय हैबिट, बैड हैबिट ना। ओके, तो मैं पहले दवा खा लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है? आटा रोटी बनाने के लिए आटा को चाल रहे ले रहे हैं। पहले बहुत सारा सुबह में काम हो जाता है ना, तो इसी के लिए नाश्ता बनाना पड़ेगा। सब कोई दही रोटी खाएगा। देखिए हम लोग घर में दही जमाए हैं, कितना अच्छा दही जमा है ना, पूरा एकदम थिक दही जमा है एकदम। अब ये दही और रोटी हम लोग नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। हाँ तो नाश्ता नहीं, नाश्ता नहीं होगा, ब्रेकफास्ट होगा। हाँ, हाँ। देखिए वो कहाँ चढ़ा हुआ है, गिरे ना गिरेगा। अरे बदमाशी करेगा तुम, पीटेंगे नहीं तो। हाँ हम तो पागल हैं, पागल मम्मी। तो अभी रोटी बन रहा है मेरा, देखिए थोड़ा सा वीडियो लेने में प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि मेरे पास स्टिक वगैरह नहीं है, तो मैं बस इसी तरह जुगाड़ करके ये देखिए रोटी गरम करो। तो हेलो फ्रेंड, आप सभी मुझे सुन रहे हैं ना? अगर सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दे अपना, और मुझे सपोर्ट करें प्लीज़। कभी रोटी बनाना हो रहा है, रोटी बनाने के बाद फिर सबको नाश्ता करवाऊंगी, उसके बाद फिर बहुत सारा काम करना, थोड़ा सा माटी का थोड़ा सा कुछ ज़मीन है इधर, मतलब कि ये क्या बोलते हैं मेरा घर में। देखिए रोटी मेरा गोल है, सो पहले बताइए है ना गोल, माटी का गलियारी बोलते हैं ना गली, तो हम लोग का घर में जो माटी का गली है तो उसको थोड़ा सा निपाई पोताई करना है। तो गोबर आया है, गोबर लाते हैं हम लोग नया वाला घर से, जहाँ पे मेरी सासू माँ ये सब रहती हैं, वहाँ गाय भी है। हम यहाँ रहते हैं दुकान के पास, क्योंकि दुकान भी देखना उखना होता है इसी के लिए थोड़ा सा। तो आप लोग के घर में भी माटी का गलियारी है तो बताइएगा, उसको निपते होंगे तो भी बताइएगा, आप निपते हुए बताएंगे कैसे हम निपते हैं। सो क्या बोले, सारा चीज़ करना चाहिए ऐसे भी इंसान को, हर एक चीज़ हम लोग हर काम करने में सक्षम हैं। हाँ रोटी बना रहे हैं, अभी एक रोटी बनाए हैं, दूसरा रोटी तवे पर है। आपको बैक कमरा करके दिखाते हैं, ठीक है? ये रोटी तवे पर है ना, और ये रोटी बेला हुआ है, और इतने सारे आटा के लोया बना लिए हैं, ठीक।
ठीक है। अब देखिए मेरा जुगाड़, पीढ़ा पे रख के मैं वीडियो बनाती हूँ क्या करें, अरे रोटी जल ना जाए। अब कैसे मैं आप लोग को दिखाऊं, कैसे फुलाऊं। हम ऐसे करके फुलाते हैं, देखें कितना मज़ेदार फुला। जिसको तवे पर रोटी नहीं फुलाना आता है, कृपया इसी तरह फुलाएं। ये दूध भी है, तो ठीक है फिर मिलते हैं रोटी बनाने के बाद, क्योंकि वीडियो लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है मुझे। देखिए कैसे हुई, यहाँ नीचे ना निपाई हो रहा है गलियारे का। मैं नहा के तैयार हो गई, अब जा रही मैं खाना बनाने। बोलो खाना बनाएंगे, कुछ ही बनाएंगे, कुछ ही करेंगे, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ काम है दुनिया भर के, कहाँ तो जाएंगे। क्या कर रहे, बहुत धूप है, बाप रे। अभी जा रहे हैं चावल चुनने, जल्दी जल्दी खाना बनाएंगे, लेट हो गया। ये चावल चुन रही, ये चावल। जा रहे कटहल छीलने, देखिए ये कटहल, कटहल का सब्जी और चावल बनाने जा रहे हैं। परी पहले हाथों में कड़वा तेल लगा लीजिए कटहल छीलने से पहले। इसका पूरा दूध निकलता है ना, इस तरह का टुकड़ा कर करके कटहल को, और फिर मतलब इसको छीलेंगे पूरा, ये ऊपर वाला जो भाग है ना इसको पूरा छीलेंगे, तो इसमें टाइम लग जाएगा, तो सॉरी मैं छीलते हुए नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन हाँ बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, ठीक है। सॉरी फ्रेंड, हम दिखाना भूल गए हैं। इस कुकर में थोड़ा सा कटहल को भाप लगाने दिए हैं, बस 5 मिनट के लिए। जैसे ही भाप एक सीटी आएगा उसके बाद हम इसको खोल देंगे तुरंत। और इसमें आलू प्याज भून लिए थे, उसके बाद आलू छील के डाले हैं धोकर। तो थोड़ा सा हम क्या बोले, हम थोड़ा सा भूल गए हैं, नहीं ले पाए उसका वीडियो हम, इसके लिए सॉरी। और इधर मसाला भी मैंने निकाल के रखा, थोड़ा सा प्याज दे दिया है, थोड़ा लहसुन, काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज, बस।
गया है, अब इसको बंद कर देते हैं। कटहल को मैंने छान लिया कुकर में, इसको उबाल आने दिया एक सीटी तक। उसके बाद छान लिए हम इसको। उसके बाद ये मसाला को ग्राइंड कर लिए हैं। इसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, ज़ीरा, लहसुन और थोड़ा सा गरम मसाला और प्याज। और ये मैंने टमाटर को कट कर लिया है। आजकल का टमाटर इसी तरह का आ रहा है मार्केट में, थोड़ा लाल थोड़ा पीला टाइप से, आधा कच्चा आधा पका टाइप से। और इधर आलू भी फ्राई हो चुका है। आलू मैं इसलिए कटहल में डालती हूँ ना, बच्चे लोग कटहल नहीं खा पाते हैं, बोलते हैं मम्मा मेरे अच्छा नहीं लगता है, तो आलू के साथ उसको। और ऐसे भी थोड़ा सा अच्छा ही लगता है, हम लोग को तो अच्छा लगता है। आप लोग को कैसा लगता है कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ कटहल का भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ दाल को स्किप कर रहे हैं, दाल नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आलू दिए हैं। थोड़ा नहीं है आलू। और इसमें प्याज, तेज़पत्ता, पहले तेल डाले उसके बाद गर्म हुआ तेल, तो इसमें प्याज और तेज़पत्ता को दिए, उसके बाद आलू इसमें डाले। तो जब तक आलू फ्राई होता है, प्याज भी अच्छा से फ्राई हो जाता है साथ में। आलू अच्छा से डीप फ्राई हो गया है और ये कटहल अब इसके बाद डालेंगे हम लोग। अब इसको 5 मिनट जैसा भूंज लिए हैं कटहल के साथ और आलू मिक्स। अब इसमें डालेंगे नमक। नमक आप लोग स्वाद अनुसार दें, ठीक है। ये मैं नमक टमाटर छोटे साइज का 5 पीस है, ज़्यादा नहीं है, छोटा चम्मच से हल्दी देख लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर मैं हल्दी दूंगी। इसमें मैंने मसाला ऐड कर दिया और वो मसाला वाला जो ये बर्तन था उसको थोड़ा सा धो के और पानी मैंने डाला है, इसको चलाएंगे। इसको 20 मिनट तक एकदम पक्का आप चलाते रहिएगा, भूंजिएगा। इसको सब्जी ऑलमोस्ट हो गया है, ये देखिए कटहल आलू का सब्जी। इसमें हम पानी थोड़ा डालेंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा सा रस्सा वाला खाते हैं। ये थोड़ा सा मैं भुंजिया निकाल लूँगी, मतलब कि सब्जी का भुंजिया भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो ये थोड़ा सा प्लेट में, अब ये डबकेगा उसके बाद उतार देंगे, है ना टेस्टी। सब्जी हो गया और थोड़ा सा आम का चटनी बनाए, उसका नहीं बता पाए दिखा पाए। ये आम का चटनी है, इसमें आम, कच्चा आम और लाल मिर्च 2 पीस, सिर्फ 2, लहसुन और थोड़ा सा प्याज और काला नमक देकर चटनी बनाए हैं। और सब्जी ऑलमोस्ट मेरा हो गया है, दिखाते। ये कटहल का सब्जी डन। ये इतना ग्रेवी वाला हम लोग खाते हैं, चावल के साथ में है, बहुत अच्छा ही इसका खाने में लगता है। थोड़ा सा और रस्सा कम होता लेकिन थोड़ा भूख ज़्यादा लग गया है सभी को, तो ये कटहल पूरा खींच गया। आज का वीडियो यहीं तक, अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाते हम लोग सब, क्योंकि लेट हो गया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा काम था, संडे था। संडे में आप लोग जानते ही हैं, संडे तो और ऊपर से काम वाला दिन हो जाता है, क्योंकि एक हफ्ता का पूरा काम संडे को ही निपटाया जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा अपना प्यार दें, और मुझे बहुत आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। धन्यवाद, बाय बाय। चलो।